वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि मेटल सबसे पहले अवेलेबल करवाएगा वैकेंट ऑर्बिटल को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल करवाएगा, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितना लिगेंड ने बॉन्ड बनाने होंगे। सेकंड, वो जो आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे मेटल के, वो क्या करते हैं, वो हाइब्रिडाइज करते हैं। उनमें क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। फिर हमने बोला था कि जो डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वो इनर डी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, वो आउटर डी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस वजह से दो तरीके के कम्प्लेक्स आते हैं, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होता है जिसमें इनर डी ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, डी टू एस पी थ्री, और आउटर का मतलब होता है जिसमें आउटर वाले इन्वॉल्व होंगे, दैट एस पी थ्री डी टू। उसके बाद हमने कहा था कि लिगेंड में अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्या होनी चाहिए, ऐसी एक ऑर्बिटल होनी होनी चाहिए जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास, अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, बाद में जब एम्प्टी और फुली फिल्ड होते हैं वो बाद में ओवरलैप करके जो है वो क्या बनाते हैं, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं जिनमें आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में हमने बोला था कि अगर किसी में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है, अगर किसी में नहीं होता तो वो डायमैग्नेटिक जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी, अब हम जो है वो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कंसेप्ट देती है, हमें शेप के बारे में कंसेप्ट देती है। सबसे पहले हम उन कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 जो होता है वो होती है sp3d2 और d2sp3। अब कौन होगा, d2 होगा या फिर sp3d2 होगा, वो कैसे पता चलेगा। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्रोमियम एमोनिया 6 ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव। हमें ये बताना है कि विद बाय हेल्प ऑफ दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, इसकी हमने शेप और हाइब्रिडाइजेशन बता दी, ठीक है। और ये भी बताना है कि ये आपका पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। सबसे पहली चीज आपने क्या करना होता है कि ये जो मेटल होता है क्रोमियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन क्रोमियम का होता है 24 एटॉमिक नंबर, तो आर्गन 3d5 4s1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में हम जो है वो देखेंगे, 3d को मैं लिखती हूं ऐसे, इसको भूल जाओ, खाली इसको देखो, दिस इज योर 3d, दिस वन इज योर 4s। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन है फिल करो, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स में जो आपको क्रोमियम है वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में है, तो हम क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन लिखेंगे। अब हमें 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन क्या होगा, यहां पर 3 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्योंकि बाकी के 3 जो है वो चले गए होंगे। 4s के बाद क्या है आपका, दिस इज योर 3d, दिस इज योर 4s, 4s के आगे 4p भी है लेकिन वो खाली, ठीक है, 4d भी होगा वो सब खाली। अब क्या करना है, अब हमने जो है ये बताना है कि जो आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। सबसे पहले तो हमने उतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाने हैं मेटल के पास जितने इसने बॉन्ड बनाने, कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6 बनाने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑलरेडी 6 ऑर्बिटल। बेटा एक चीज याद रखना, एमोनिया जो, अच्छा ये पेयरिंग वेयरिंग के बारे में बात में करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे 6 ऑर्बिटल है तो इस पे क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या बन जाएंगे, 6 जो है आपके पास बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, 6 बॉन्ड जो है आपके पास जो है वो बनेंगे, और आपके पास कुछ ऐसा जो है वो सिनेरियो होगा, इन 3 में आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होगा और इन 6 में आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कहां से आए होंगे, जो आपके लिगेंड से आए होंगे। और ये जो आपके पास ऑर्बिटल होगी, ये कौन सी ऑर्बिटल है, इसमें आपका डी इनर डी इन्वॉल्व हुआ है, दैट इज d2sp3, क्या है इसमें d2sp3। और आपके पास आप जानते ही होगी यहाँ पर जब 6 होता है तो जो शेप होती है वो क्या होगी, वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और एक चीज यहाँ पे देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक भी होगा। तो इस हिसाब से हम जो है वो शेप निकालते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं,
अच्छा आपसे तो ये पूछे कि इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसमें इनर डी इन्वॉल्व हुआ है, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अब वो लो स्पिन क्यों होता है ये आपको आगे वाली थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पता चलेगा। और अगर आपके पास डी टू आगे वाला इन्वॉल्व होता है जैसे sp3d2 तो होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और उसको कहलाया जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। इसी वाले कंपाउंड में हम क्या करेंगे FeCN6 3 नेगेटिव, ये मेरे पास कंप्लेक्स है। ठीक है, आयरन एटॉमिक नंबर इज 26, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखती हूँ, दैट इज 3d6 4s2। ठीक है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 26 3d6 4s2। यहाँ पे आयरन Fe3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले तो हम आयरन इन ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, इसी ऊपर वाले को हमने जो है वो ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखना है। दिस इज 3d, दिस इज 4s, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आएंगे दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो कि कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है वो Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 2 और यहां से 1। दिस इज 3d, यहाँ पे आप 5 इलेक्ट्रॉन है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, आगे मेरे पास क्या है 4p है, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब देखो, अब मैं क्या करूं, क्या मैं ऐसे करूं कि sp3 और आगे एक और ऑर्बिटल जो है वो d ऑर्बिटल जो है वो इन्वॉल्व करूं जितने भी मुझे जरूरत है? नहीं, इस केस में क्या होती है, पेयरिंग होती है। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स में साइनाइड होता है, कार्बोनाइल होता है या फिर अमोनिया होता है, तो उस केस में आपके पास क्या होती है, पेयरिंग होती है। ठीक है, आप बोलोगे कि अभी मेरे को अमोनिया वाला था लेकिन वहां पे गुंजाइश ही नहीं थी, वहां पे ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल मेरे पास है तो मुझे पेयरिंग करवाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, पेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने सिंगली सिंगली लिखी है ना, इनको डबल कर दो, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे कर दो, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे कर दो, और ये वाला ऐसा ही रहेगा जैसा कि है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे d2sp3 ये जो है वो हाइब्रिडाइजेशन आ गई, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल, 1 unpaired electron that is paramagnetic, inner d is involved that is inner orbital, spin is low, एक ही unpaired electron है इसलिए low spin complex। ठीक है, इन्हीं तीन ligands की तरफ जो है वो ध्यान देना। सबसे पहले तो metal की electronic configuration, metal में oxidation state, उतने electron को निकाल दो, फिर इसको देखो अगर ये इन तीनों में से है तो पेयरिंग करवा दो, अगर इन तीनों में से नहीं है तो सिंपल आगे वाले डी को ले जाओ। अब इसमें पेयरिंग क्यों होती है, इसका जवाब भी आपको जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर ही मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, इसमें इसका जवाब नहीं है। इसमें खाली आपको ये रखना है ध्यान कि यहाँ पे क्या करवानी है, पेयरिंग करवानी। सो ये जो एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1 unpaired इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिटल बिकॉज इनर डी इज इन्वॉल्व, एंड दिस इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक ही कम स्पिन है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कुछ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की मैं जो है वो यहाँ पे एग्जांपल दूंगी और आपको जो है उसको खुद ही जो है वो घर में जो है उसका सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, आपके पास है FeCN6 4 नेगेटिव, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आगे वाला किया, वहां पे 3 नेगेटिव है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है, बाकी सब आपने जो है वो 2 करना है। एक और एग्जांपल मैं आप देती हूँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सपोज मेरे पास क्या है CO F6 3 नेगेटिव कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। ठीक है, तो कोबाल्ट जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 27 और ये होता है आपका 3d7 4s2। ठीक है, अब कोबाल्ट जो है इसी को अगर मैं लिखूं ग्राउंड स्टेट में GS में यहां पे लिखती हूं, दिस इज योर 3d, दिस वन इज योर 4s, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे देखो कोबाल्ट जो है वो 3 पॉजिटिव की फॉर्म है, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन जब लोगे तो यहाँ से आपने 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है, 2 यहाँ से निकलेंगे, 1 यहाँ से निकलेगा, 3d 4s 4p। जब मैं 3 इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकालूंगी मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास कुछ ऐसा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास
पास यहाँ पर कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब मेरे पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में जो है वो पेयरिंग नहीं होती, इसका मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है वैसे ही रहेंगे। अब इसको पेयर नहीं करना है, आपने आगे चलना है 4B के आगे होता है आपको वोल्टी, जिसमें आपके पास 5 ऑर्बिटल खाली होंगे। ठीक है, आपको बॉन्ड कितने बनाने हैं, आपको बॉन्ड बनाने हैं 6। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब यहाँ तक जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp3d2। ठीक है, आउटर वाला डी इन्वॉल्व हुआ है, इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। स्पिन देखो कितने ज्यादा, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट मींस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल जो होता है हाई स्पिन होता है, पैरामैग्नेटिक भी होगा ये, काफी सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सो ये क्या है आपका पैरामैग्नेटिक। तो बेटा याद रखना कि COCN अमोनिया जहां पे होगा आंख बंद कर, अमोनिया तो ऐसे एम्बिगस होता है, कभी कभी होता है पेयरिंग करते, लेकिन COCN जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका जो है वो साइनोड जो होता है वो हमेशा पेयरिंग करवाते हैं, और उससे हमेशा आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये अपने जहन में जो है वो डालो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ जिसको जो आप जो है वो घर में खुद ही सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास है Fe वाटर 6, चार्ज है इसके ऊपर 3 पॉजिटिव, आयरन Fe F6, चार्ज है आपके पास 4 नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों की आप जो है वो शेप पे निकालेंगे, आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, फिर ये बताओगे आउटर है या फिर इनर है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसमें आपके पास दो तरीके की शेप जो होती है वो पॉसिबल होती है, एक होती है आपके पास टेट्राहेड्रल शेप और दूसरी होती है आपके पास स्क्वायर शेप। ठीक है, अब स्क्वायर ग्रेड होगी या फिर टेट्राहेड्रल होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास है NiCl4 2 नेगेटिव, मुझे पूछा कि इसकी शेप बताओ, इसकी ज्योमेट्री बताओ। सबसे पहले निकल एटॉमिक नंबर 28, दैट इज 3d8, 4s2 इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में लिखेंगे तो 3d8 कुछ ऐसा होगा, पांच छह सात आठ, फिर 4s कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो यहाँ पे निकल प्लस 2 होता है, तो निकल प्लस 2 में आपने दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले, दैट इज आपके पास जो है वो 4s खाली हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्लोरीन है, इसका मतलब पेयरिंग वेयरिंग कुछ भी नहीं होनी है, मतलब आपको आगे वाला 4p जो है वो लेना पड़ेगा। कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 1s 3p। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 जब भी होगी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन तो आपके पास जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। हाँ dsp2 होता तब मेरे पास जो है वो क्या आ जाता, मेरे पास स्क्वायर प्लेनर जो आ जाता। ठीक है, तो इसकी जो है आपके पास जो शेप आएगी वो आएगी टेट्राहेड्रल, और ये जो है आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब ये आएगा आपके पास पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अगेन ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल खाली ऑक्टाहेड्रल का केस है, बिकॉज वहां पर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, आपके जो ये वाला होता है इस केस में जो है वो डी खास इन्वॉल्व नहीं होता है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में आप इनर ऑर्बिटल को नहीं देखते हैं या आउटर ऑर्बिटल को नहीं देखते हो, लो स्पीड हाई स्पीड नहीं देखते हो, खाली ऑक्टाहेड्रल नहीं देखते। एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, NiCO4 टेट्राकार्बोनाइल निकल 0, यहां पे मेरे पास निकल है 28 है, 3d8 4s2 है, मैं 3d8 को ऐसे लिखू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और 4s2 को भी ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है निकल की, इसका मतलब मुझे ऐसे ही रखना है जैसे ये है, कोई पेरिशरी नहीं करवानी। ठीक है, अच्छा ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं। ठीक है,
अब आगे क्या होता है, ये है आपके पास 3D, दिस वन इज योर 4S और आगे होगा आपके पास 4P जो आपके पास खाली। पहले स्टेप में हमने क्या किया, ग्राउंड स्टेट लिख दिया, फिर जितना ऑक्सीडेशन स्टेट दे इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मैंने बोला यहाँ पे निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है। अब हमने क्या करना होता है, ये इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वहां पे पेयरिंग होती है। ये इलेक्ट्रॉन इधर डाल दो, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे डाल दो। पेयरिंग हो गई बिकॉज ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। एस इन्वॉल्व हो गया, तीन भी इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई नहीं है, दिस वन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम खुद ही करेंगे, जिंक अमोनिया 4 2 पॉजिटिव, इसका जो है वो ऐसे ही आप करेंगे कि शेप इसकी जो है वो क्या आएगी। हो गया ये भी, आप कुछ और एग्जांपल लेंगे 4 वाले की, जिसमें आपके पास कुछ डिफरेंट शेप आए, लेट्स केयर की लेवल। ठीक है, एग्जांपल लेती हूँ मैं, NiCN4 2 नेगेटिव, निकल एटॉमिक नंबर 28, 3D8 4S2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद 4S2 निकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो निकल +2 दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो। दिस वन इज 3D, दिस वन इज 4S, आगे मेरे पास 4P भी होगा। ठीक है, आगे मेरे पास क्या होगा, 4P भी होगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइनाइड है, साइनाइड में क्या होती है, आपके पास पेयरिंग होती है। तो जब पेयरिंग होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन को इधर ले लो, बिकॉज साइनाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। एक डी हो गया, आपके पास एक एस है, 3D आया यहाँ पे, 4S आया यहाँ पे और 4P यहाँ पे। तो एक डी मेरे पास कितने बॉन्ड मैंने बनाने हैं, 4, 1 2 3 4, इसका मतलब ऐसा। तो DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप, यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, साइड में यह आएगा आपका डायमैग्नेटिक। तो इस लिगेंड का खेल होता है, साइनाइड कार्बोनाइड और अमोनिया अगर होता है तो पेयरिंग करवाओ, पेयरिंग के बाद आपको खुद पता चलेगा कि कौन से अवेलेबल ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। sp3 होगा आपके पास टेट्राहेड्रल, dsp2 अगर होगा आपके पास तो स्क्वायर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, CuNH3 और 4 टाइम्स 2 पॉजिटिव, इसको भी इसी हिसाब से आप करेंगे और देखेंगे कि इसकी शेप जो है वो क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशंस ऑफ VB थ्योरी। क्या क्या लिमिटेशन थी इसकी, पहली ये कि डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, मैं खाली बोलूंगी, ये डिटेल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जो है वो नहीं बता पाया। ठीक है, सेकेंड जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके बारे में भी ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। स्टेबिलिटी जो होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, उनके बारे में भी कोई भी जो है वो नहीं बताया। इसने क्लियर डिमार्केट नहीं किया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है। ठीक है, और ये भी नहीं बोला पर्टिकुलरली, यहाँ से तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाता है, लेकिन क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है कि टेट्राहेड्रल होती है शेप या फिर स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, तो यही इसकी कुछ लिमिटेशन थी। बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो बेहतर ब्लैक ने दी थी। ठीक है, बेहतर ब्लैक ने दी थी 1935 में। ये थ्योरी क्या कहती है, द बॉन्डिंग बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
the ligand is anionic, then the interaction between the metal ion and the anionic ligand is ion-ion interaction. And if the ligand is your neutral molecule, then the interaction between the metal cation and your ligand molecule is ion dipolar, your ion neutral interaction. So, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? According to this theory statement लिखो. According to this theory, the interaction between the metal ion and the ligand is purely electrostatic. In case the ligand is anionic, then the interaction is not, then the interaction is ion-ion interaction, and if the ligand is neutral, then the interaction is ion dipole. Ion dipole. So, ये इसका जो है वो main था जो इसे बताया था कि जो interaction होती है metal के बीच में, metal ion के बीच में और ligands के बीच में, वो electrostatic force है. ठीक है, आयन आयन इंटरेक्शन तब होगी अगर मेरे पास लिगेंड होता है आपके पास ऐसा आएगी, और आयन डाइपोल तब होगी अगर मेरे पास हो गया होगा वो न्यूट्रल होगा. ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फेज स्प्लिटिंग. हम जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं. डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब जिनकी एनर्जी क्या होती है सेम, ऑल द फाइव डी ऑर्बिटल्स आर डीजनरेटेड नेचर, दैट इज इक्वल टू सेम एनर्जी. ठीक, अब क्या होता है कि लिगेंड जो होते हैं डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं. जब लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल की तरफ, दैट इज डी ऑर्बिटल की तरफ, देन द इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मेटल डी ऑर्बिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लिगेंड ऑर्बिटल, दे रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो आपकी डी ऑर्बिटल होती है जब रिपल्शन होती है तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो ज्यादा हो जाती है क्योंकि रिपल्शन हो रहा है. ठीक है, बट इफ यूर लिगेंड्स दे आर इक्विडिस्टेंट from the metal ion, if they are equidistant, that is अगर मेरे पास ये पांच d orbitals equally oriented है और यहाँ पर अगर equidistant में मेरे पास जो है वो ligand आ रहा है, तो यहाँ पे हर एक जो आपका metal orbital होगा वो ligand के साथ क्या करेगा, equally repel करेगा, और यहाँ पे increase in energy तो होगी लेकिन सबकी एक साथ एक जैसी energy, सब एक साथ एक ही जैसी energy को क्या करेंगे, increase करेंगे, और ये still क्या रहेंगे, degenerate orbitals ही रहेंगे. But जो ओरिएंटेशन होती है डी ऑर्बिटल की वो एक जैसी नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि सारे जो है वो एक्स ऑर्बिटल की एक्स एक्सिस की तरह होते हैं, वाई एक्सिस की तरह होते हैं, जेड एक्सिस की तरह होते हैं. आपने डी ऑर्बिटल की शेप पढ़ी है, डी एक्स वाई डिवाइड जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर. उनमें ऑर्बिटल में आपने पढ़ा है उन सबकी जो ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है. ठीक है, इसका मतलब कि जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल की तरफ तो ये जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो इक्वली रिपल नहीं करेंगे. ऐसे लिगेंड जो ओरिएंट होंगे मोर टुवर्ड्स द लिगेंड, उनमें ज्यादा रिपल्शन होगी तो उसकी वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी. ऐसे लिगेंड्स जो ओरिएंट होंगे या थोड़े से दूर होंगे लिगेंड से, उनमें क्या होगा, रिपल्शन थोड़ी सी कम होगी जिसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या होगी, कम, जिसकी वजह से आपके पास जो डी ऑर्बिटल होता है वो जो है डीजनरेट ऑर्बिटल्स नहीं रहते, वो सेट में टूट जाता है. कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फेज स्प्लिटिंग कहते हैं. तो क्या होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, द स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेट डी ऑर्बिटल, द स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ approaching ligands into different energy sets, into
मेरे पास मेटल आया था, मैं ऐसे बनाते हैं, मेटल मेरा बीच में है, चार छह रिबन ऐसे होते हैं, बट ऐसा होता है थोड़ा। कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक लिगेंड होता है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, और यहाँ पे छठा, ये आपका मेटल आयन होता है, ठीक है। और इनको हम जो है जोड़ भी सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक्सरसाइज, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड। सपोज हम ले रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन बीच में है, छह लिगेंड जो है वो छह जो है हम बोलते हैं पोजीशन पे हैं। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इस केस में आपके पास जो लिगेंड्स हैं वो जो है वो एक्सिस के ऊपर है, इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के ऊपर। आप देख रहे हो ये एक्सिस में से पास होके जो है एक्सिस से ही इनकी पोजीशन है, कुछ एक्स एक्सिस पे है, कुछ वाई पे है और कुछ जेड एक्सिस। ऐसे नहीं इन दोनों के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में नहीं है, ये एक्स जेड के बीच में आपका कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं है, नहीं, जेड पे अगर है जेड पे ही है, एक्स पे अगर एक्स पे है, वाई पे अगर है तो वाई पे। दैट मींस जब आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो जो लिगेंड होते हैं जब वो अप्रोच करते हैं वो अलोंग द एक्सिस मेटल की तरफ क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। अब मेटल में आपके पास होती है डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल आपके पास क्या है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर डी एक्स वाई। ऑलरेडी पढ़े हैं आप ये चीजें, सपोज ये वाई है, ये जेड है, दिस वन इज योर डी जेड, डी वाई, सॉरी, देन डी एक्स जेड, सपोज एक्स इज जेड, देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट डी जेड स्क्वायर। ये पांच मेरे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक, जिनकी ओरिएंटेशन एक जैसी नहीं है। ये तीन जो हैं इनकी लोब्स, ये इनकी लोब्स हैं, इन्हीं लोब्स पर आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यही होती है, इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द एक्सिस है, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो अलोंग द एक्सिस नहीं है बल्कि इन बिटवीन द एक्सिस है। और ये जो तो ऐसी ऑर्बिटल है जहां पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब मेरे पास जो मेटल आयन उसमें ये जो पांच लिगेंड्स, पांच डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, उनमें कौन रिपल्शन ज्यादा शो करेगा लिगेंड्स के साथ? लिगेंड्स एक्स की ओर आ रहे हैं, वाई की ओर आ रहे हैं, जेड की ओर आ रहे हैं। ये तीन जो है ना ये अलोंग द एक्सिस है ही नहीं, ये कहीं इधर बीच में होगा, कहीं इधर बीच में होगा, कहीं इधर बीच में होगा, इस डायरेक्शन में ये नहीं है, ये अलोंग द एक्सिस नहीं है। अलोंग द एक्सिस कौन है? अलोंग द एक्सिस ये दोनों ऑर्बिटल्स, इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो अलोंग द एक्सिस है, एक्स वाई के एक्सिस और जेड एक्सिस के। इसका मतलब लिगेंड भी इसी साइड से आ रहे हैं, मेटल जो ऑर्बिटल है वो भी इसी साइड से है, तो यहाँ पर जो रिपल्शन होगी इन दो ऑर्बिटल की लिगेंड के साथ वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये तीन ऑर्बिटल, बिकॉज ये जो है वो इन बिटवीन द एक्सिस है, ये अलोंग द एक्सिस जो है वो नहीं है। इस वजह से जो आपके डी ऑर्बिटल जो कि पहले डीजनरेट कहलाते थे, ये पांचों ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम थी, अब वो स्प्लिट हो जाएंगे दो सेट में, एक सेट में आपके पास ये तीन ऑर्बिटल होंगी और दूसरे सेट में आपके पास ये दो ऑर्बिटल होंगी। इस वाले सेट को, ये जो तीन ऑर्बिटल वाला सेट है, इसको हम T2G कहते हैं, और इस वाले एक सेट को हम क्या कहते हैं, EG कहते हैं। और इन दोनों के बीच में पर्टिकुलर एनर्जी का गैप होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे दिखाएं, पहले आपके पास क्या था, दिस वन इज योर डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, ठीक है, फाइव डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, अब लिगेंड्स ने क्या किया, इनकी तरफ अप्रोच किया, अब ये डीजेनरेट नहीं रहे, अब ये दो सेट में टूट गए, एक सेट दूसरा।
dy z dx है। इनकी एनर्जी कम क्यों है इससे? बिकॉज ये जो है वो कम रिपेल कर रहे हैं लिगेंड के साथ। ये आपके पास है डी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आपके पास है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं ईजी और इनको हम क्या कहते हैं टी टू जी, और इनके बीच में गैप होता है डेल्टा ओ जिसको हम कहते हैं सी एफ एस ई, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी कहते हैं इसको, ठीक। तो इस तरह से आउटर हाइड्रो कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्या होती है स्प्लिटिंग होती है, इसको डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसी स्प्लिटिंग को हम जो है, मैं थोड़ा एडिशनल बोल रही हूँ, अगर इसी स्प्लिटिंग को हमने टेट्राहेड्रल में जो है वो डालना होता है, तो टेट्राहेड्रल में याद रखिएगा कि जो लिगेंड होते हैं वो अप्रोच करते हैं नॉट इन बिटवीन द नॉट अलोंग द एक्सिस बट इन बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। जो आपका टेट्राहेड्रल होता है वहां पे जो आपके पास लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। तो उस केस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसी ऑर्बिटल जो इन बिटवीन द एक्सिस होती है वो ज्यादा एनर्जी में होती है, और टेट्राहेड्रल में उल्टी स्टेबलाइज उल्टा होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट इज आपका जो तीन ऑर्बिटल जो वहां पे नीचे हैं वो वहां पे ऊपर होते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो यहां पे करेंगे इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। तो यहां पे मैंने 5 डिजेनरेटी ऑर्बिटल्स लिखे, इन्हें लिगेंड्स को अप्रोच किया, लिगेंड से इनकी तरह अप्रोच किया, तो ये जो है वो दो सेट में जो है वो टूट गया। ये मेरा जो है वो डीएक्स वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे डीजेड स्क्वायर होगा, ये डीएक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ई जी नहीं लिखते खाली ई लिखते हैं, टी टू जी नहीं लिखते खाली टी टू लिखते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस केस में लिगेंड्स अप्रोच नहीं करते हैं में है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उन सब को जो है वो हम आने वाले लेक्चर्स में जो है वो देखेंगे।